हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका टॉपिक लिया है मांग की लोच, या जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो मांग की लोच का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था। ये जो कॉन्सेप्ट के प्रोपाउंडर है वो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड में हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु की जो मांग होती है उस पर उसकी कीमत के साथ साथ अन्य बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, उनके कारण उसकी मांग जो है कम या ज़्यादा होती रहती है। मांग का नियम तो केवल एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसमें एक कोई एक गुणात्मक कथन होता है जिसमें हम केवल ये देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत या फिर अन्य फैक्टर्स के परिवर्तन के कारण मांग में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी कमी या फिर कितनी वृद्धि हो रही है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, या हम कहें कि जो ये इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, परिणामात्मक एस्पेक्ट होता है, इसकी स्टडी करने के लिए हम मांग की लोच के बारे में पढ़ते हैं। किसी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत के साथ अन्य फैक्टर्स जैसे कि उपभोक्ता की आय हो सकती है, या जो अदर रिलेटेड कॉमोडिटीज़ हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनकी प्राइसेस में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से इस कारण से ही जो मांग की लोच है वो भी हम तीन तरीके की होती है। एक तो होती है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक हो सकती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच। तो मुख्यतः जो मांग की लोच है वो इन तीन कैटेगरीज़ में बाइफर्गेटेड होती है। लेकिन जनरली अगर हम देखें, या साधारण शब्दों में जब हम मांग की लोच देखते हैं तो इसका मतलब हम इसका तात्पर्य हम मांग की कीमत लोच से ही लगाते हैं, या ये कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहकर भी पुकारा जाता है। तो अब एग्जैक्टली मांग की लोच क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों ने दी है। तो स्टोनियर व हेग ने कहा कि मांग की लोच होती है वो एक तकनीकी शब्द है, एक टेक्निकल वर्ड होता है, जो कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग की प्रतिक्रियात्मकता के अंश को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात अगर किसी वस्तु की कीमतों में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण जो वस्तु की मांग है वो उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन होंगे, किस दिशा में परिवर्तन होंगे, ये हमें मांग की लोच बताता है। एक और परिभाषा दी गई है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। जॉन रॉबिन्स ने बोला कि किसी कीमत विशेष या उत्पत्ति विशेष पर मांग की लोच किसी कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप भी उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने एक तरीके से मांग की लोच को निकालने का फॉर्मूला दिया है कि मांग की लोच को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये दोनों परिभाषा पढ़ने से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर मांग के नियम में हमें केवल परिवर्तन की दिशा का, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज का पता चलता है, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसके फलस्वरूप वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। सामान्य स्थितियों में ये ऐसा होता है, ये हमें मांग का नियम बता रहा है। तो इस तरीके से मांग का नियम केवल हमें दिशा बताता है कि परिवर्तन किस दिशा में होगा, लेकिन जब हम मांग की लोच की स्टडी करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, परिवर्तन का स्वरूप बताता है या परिवर्तन की मात्रा बताता है कि कीमतों में परिवर्तन के कारण, कीमतों में वृद्धि या कमी के कारण
मांगी जाने वाली मात्रा में कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी एग्जैक्ट मात्रा बताता है। तो दोनों में मुख्य अंतर ये होता है। तो अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर मांग की लोच का निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा जा सकता है, या हम इसको ई और पी, छोटा ई और उसमें छोटा पी से डिनोट करते हैं ई पी। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिनोशन होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? जैसे कि इस डेफिनेशन से पता चल रहा है, वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, दैट मीन्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो ये इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है। अब आनुपातिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? आनुपातिक या प्रोपोर्शनेट चेंजेस हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोपोर्शनेट चेंज निकालने के लिए कि जो भी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन है, जिसको हम डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है, उसको भाग देते हैं वस्तु की जो एक्चुअल मात्रा थी उससे, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। इसका मतलब हुआ, डेल्टा का मतलब होता है कि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, और ये हो जाएगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख सकते हैं, जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे अगर इस साइन को, तो हो जाएगा एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिसको हम डॉट से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा पी अपॉन चेंज ऑन चेंज इन पी। तो ये हमने इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई किया है। डिवीजन की जगह जब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ये रिवर्स हो जाते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। तो हमने ये इंटरचेंज कर दिए हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा डेल्टा को एक तरफ ले लेते हैं और जो पी और एक्स है इनको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन एक्स। तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या मांग की कीमत लोच को निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन को कीमत में परिवर्तन की तुलना में देखा है, इसीलिए ये कीमत लोच का फॉर्मूला होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे वस्तु की कीमत लोच निकाली जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी है, जो 6 रुपये थी पहले और अब जो है 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, और उस वस्तु की मात्रा है जो, क्योंकि कीमतें कम हुई है पहले से, तो उसकी मांग बढ़ेगी। तो मांग जो है पहले सपोज 80 इकाइयां थी, जो बढ़कर वो 120 हो जाती है। तो इस स्थिति में हमें वस्तु की कीमत लोच का पता करना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो इसका क्या तरीका होगा? हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था। तो ई पी कितना हुआ? एक्स में परिवर्तन, एक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है? 80 से बढ़कर 120 हो गया, तो परिवर्तन कितना होगा यहाँ पे? 120 में से 80 को माइनस कर देंगे, और P में परिवर्तन कितना है? 4 हो गया, पहले 6 था, तो 4 में से 6 को माइनस कर देते हैं। इनिशियल या वास्तविक कीमत हमारी कितनी थी? 6 रुपये थी, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और वास्तविक वस्तु की मात्रा कितनी थी? 80 थी। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 120 माइनस 80 तो ये कितना आएगा? 40 अपॉन माइनस का 2 इंटू 6 अपॉन 80। माइनस का 2 क्यों आया है? क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 4 में से 6 को माइनस करेंगे, माइनस 2 आ जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 40 और 80 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आता है माइनस 3 अपॉन 2, तो ये आएगा माइनस 1.5।
माइनस का 1.5 आता है, लेकिन मांग की लोच निकालते टाइम हम क्या करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ईपी को एक्चुअली इस तरीके से लिया जाता है। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 है। ये नेगेटिव में क्यों आता है आंसर? नेगेटिव में इसलिए आता है, नेगेटिव का मतलब है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है एक, तो दूसरा वैल्यू उसके कंपैरिजन में रिड्यूस होता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्राइस और क्वांटिटी मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा नेगेटिव में ही आता है इन केस ऑफ नॉर्मल कॉमोडिटीज़। गिवन कॉमोडिटीज़ एंड इन्फीरियर कॉमोडिटीज़ कैन बी एन एक्सेप्शन इन दिस केस। मांग की लोच की परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां कौन सी होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं तो आती है पूर्णतया लोचदार मांग, जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कीमतों में परिवर्तन नहीं भी हो तो भी जो वस्तु की मांग है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो इसमें हम या फिर कह सकते हैं कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन शून्य होने पर भी जो वस्तु की मात्रा है उसमें बहुत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है। तो जैसा कि हम इस कर्व से देख सकते हैं, इस ग्राफ से, यहाँ पर हम ओ वाई एक्सिस पर लेते हैं वस्तु की कीमत और ओ एक्स एक्सिस पर लेते हैं वस्तु की मात्रा, और ये जो है ये हमारा हो जाता है मांग वक्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कीमतें यथावत हैं फिर भी वस्तु की मांग में कमी और वृद्धि हो रही है, तो इसे हम कह सकते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, जिसे हम डिनोट करते हैं इन्फिनिटी से। या जो प्राइस इलास्टिसिटी या कीमत लोच होती है वो क्या होती है? अनंत होती है, यानी कीमतों में परिवर्तन ना होने पर भी उनकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। दूसरी कैटेगरी आती है अत्यधिक लोचदार मांग की, हाईली फ्लेक्सिबल डिमांड। हाईली फ्लेक्सिबल डिमांड है, इसकी वैल्यू क्या होती है? एक से अधिक होती है। इस केस में क्या है, जो कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन होता है वो कम होता है और जो वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा होता है। तो हमें जो मांग वक्र प्राप्त होता है वो थोड़ा सा फ्लैट मांग वक्र या फिर थोड़ा कम स्लोप वाला मांग वक्र प्राप्त होता है, जैसे कि इससे क्लियर है। इनिशियली जब वस्तु की कीमत OP1 थी और मात्रा कितनी मांगी जा रही है? OQ1। जब वस्तु की कीमत में केवल इतना परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ये होती है हाईली इलास्टिक डिमांड, या जिसे कहते हैं EP इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है मांग की इकाई लोच, या यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी वैल्यू हमेशा एक के बराबर होती है, अर्थात कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होगा। यदि कीमतों में 20% वृद्धि या कमी हुई है तो उसके अनुपात में वस्तुओं की मात्रा में भी 20% की कमी या वृद्धि होती है। ऐसी दिशा में हमें जो यहाँ पर मांग वक्र प्राप्त होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है, जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है एक के बराबर होती है। नेक्स्ट आता है कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक डिमांड, या इसे कह सकते हैं इन इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। इस केस में क्या है, कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होता है। तो अगर कीमतों में 20% आनुपातिक परिवर्तन है तो वस्तु की मात्रा में 20 से कम, या फिर अपन कह सकते हैं फॉर सपोज केवल 10% का प्रपोर्शनेट चेंज ही हो रहा है। तो ऐसी दिशा में जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वो एक से कम होती है, एक से इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। और नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसके अंतर्गत कीमतों में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कीमतें कम हो जाए चाहे कीमतें पहले से ज़्यादा हो जाए, वस्तु की मांग जो है वो यथावत रहती है। ये इसलिए यहाँ भी हमारा डिमांड कर्व इस केस में कैसा होता है, पैरेलल टू दी ओ वाई एक्सिस,
या फिर कह सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक परपेंडिकुलर होता है वो एक्स एक्सिस पर। इस तरीके से हमें एक सीधी रेखा मांग वक्र की प्राप्त होती है। ये वाला पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस होती है। डिमांड कर्व से भी पता चल रहा है यहाँ पर हमारा जो मांग वक्र है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है और यहाँ पर जो मांग वक्र होता है वो ओ वाई अक्ष के पैरेलल होता है। तो ये ब्रॉडली पांच कैटेगरीज होती है या पांच टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो ये वैल्यू से हमें देखने से पता चल जाता है कि हमारी मांग की लोच किस प्रकार की है। जैसा कि अभी हमने पहले इसमें डिस्कस किया था कि इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही देखी जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसीलिए हमने यहाँ पर ये ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल्स टू वन और ये वाली कैटेगरीज यहाँ पर लिखी, ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पर इसमें लिखी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दो अलग कैटेगरीज होती है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।